उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता भी है, इस रिलेशन का आगे के चैप्टर्स में यूज भी आएगा और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है, एक डेरिवेशन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब आई और वीडी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये जानना है। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और वीडी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें किन किन चीजों से गुजरना होगा। ध्यान समझिएगा, हम मान रहे हैं हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का फ्री एंड जो है वो एक एक्सटर्नल सील या बैटरी से अटैच्ड है। हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है ना, इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ये मानकर चलेंगे। ये इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो हमारा एल लेंथ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये पूरा यहां से इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन वो बट ऑबियस है किधर जाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर डायरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, अपोजिट होगा, जिसे आप कहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो उसका मूवमेंट। तो सबसे पहली बात इस दिए हुए कंडक्टर के बारे में, इस कंडक्टर का लेंथ एल है, इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो मोटाई है, ये सब जगह बराबर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और करेंट जो होगा वो करेंट लेफ्ट टू राइट हमारा मूव कर रहा होगा, ये जान रहा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करेंट है और ये डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है तो ये जो सिलेंड्रिकल है तो इसका अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या अपना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, याद है पाई आर स्क्वायर इंटू एल लेंथ, आईआईसी को हाइट कर दे तो एच हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये हो गया लेंथ, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू हमारा लेंथ। क्लियर? तो ये किसके बारे में जानकारी मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि हम इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चर्चा हम यहां करेंगे इस चीज को लेकर के कि एज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एल, और अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, एन इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको चर्चा ये होगी याद होगी जब हम लोग बात कर रहे थे नेचर ऑफ मटेरियल और कंडक्टर के बारे में, हमने वहां भी कहा था नंबर डेंसिटी के बारे में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा है वो हमारा कितना है, एन है, एन बी द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर देन
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन। अब एक बात सोचो कि पूरा जो है ए एल तुम्हारा वॉल्यूम है और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। जब वॉल्यूम का वैल्यू वन है इलेक्ट्रॉन कितना है एन है स्मॉल एन, तो ए एल जब वॉल्यूम होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी एन ए एल होगा या नहीं होगा एन ए एल होगा। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। जैसे एक आम का दाम अगर 20 रुपया है, ठीक है, तो 10 आम का कितना दाम होगा? एक आम का दाम 20 रुपया और 10 आम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, तो एयर वॉल्यूम में कितना हो जाएगा एन ए एल हो जाएगा। इसके बाद इफ ई बी द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, देन चार्ज ऑन द कंडक्टर क्यू इक्वल टू फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रोस्टैट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है एन ए एल है और ई हो जाएगा, मतलब क्यू इक्वल टू एन ए एल ई हो जाएगा। देखो हम क्यों ये चार्ज निकाल रहे हैं, हम बता देते हैं चार्ज निकाले इसलिए ना क्योंकि हमें करेंट और वीडी का संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है आई और वीडी के बीच में। तो आई निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चाहिए? आई निकालने के लिए तुम्हारे पास क्यू चाहिए और टी चाहिए, टाइम आई इक्वल टू क्यू आई टी, तो उसी के लिए हम ला रहे हैं। अब एक और बात समझिए हम कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर को कवर करने में टी टाइम लगता हो स्मॉल टी टाइम, तो उस टी टाइम के बारे में विचार करना होगा। ध्यान देना, इफ टी बी द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर को क्रॉस करने में अगर टी टाइम लग रहा हो तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाय जी डी हो जाएगा। बोलो कैसे? देखो ध्यान से, वी इक्वल टू क्या होता है एस बाय टी होता है ना, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की जितना टाइम की बात की, तो टाइम निकालेंगे तो क्या होगा एस बाय वी होगा, तो यहां क्या हो गया वी डी इक्वल टू एल बाय टी, वी डी वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाय वी डी, यहां वी था यहां टी यहां आ गया वी, देख रहे हो ना। एस क्या मतलब लेंथ, टोटल लेंथ एल कवर कर रहा है। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। देखो तुम्हें क्यू मिल गया और टी मिल गया, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम बहुत आसानी से करेंट के बारे में बात कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक करेंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का मतलब एन ए एल ई और टी का वैल्यू एल बाय वी डी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एल कैंसिल हो जाएगा ए एन ई वी डी। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये रिलेशन हो गया। इसमें कौन चीज है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ई क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वी डी क्या है, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? मैं इसको लिखा देता हूं, ठीक है, और जहां कहीं भी दिक्कत होगी
दोबारा हम रिपीट कर देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कॉमा ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स फ्री एंड्स कॉमा सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप दैट इज ई वेक्टर। उसके बाद नीचे एज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू ए एल एंड इफ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में नंबर पर कितना स्मॉल एन है तो ए एल में कितना हो जाएगा एन ए एन हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, टोटल तुम्हारा इतना इलेक्ट्रॉन मिल गया एन ई कर दो क्यू मिल गया। वीडी से मूव कर रहा है, एल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है, तो वीडी इक्वल टू एल बाई टी, टी इक्वल टू एल बाई वीडी, और चार्ज निकल गया टाइम निकल गया डिवाइड कर दिए तो रिलेशन हमारा आ चुका है, ये रिलेशन है आई इक्वल टू ए एन ई वी जी। क्लियर, बात कर रहे हैं सबसे पहले करेंट डेंसिटी के बारे में, हम करेंट डेंसिटी किसको कहते हैं, करेंट डेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर से तो उस कंडक्टर के किसी पार्टिकुलर एरिया ऑफ सेक्शन पे उस करेंट का कितना वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक करेंट पर यूनिट एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। मानिए कि आपका कोई कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ अलग एरिया ऑफ सेक्शन है, यहाँ अलग एरिया ऑफ सेक्शन है, ये अलग है, ये अलग एरिया ऑफ सेक्शन, अलग अलग आपके एरिया ऑफ सेक्शन है, करंट पास कर रहा है इससे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप बात कर रहे हैं करंट आपका पास है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो किसी पार्टिकुलर एरिया ऑफ सेक्शन पर उसका वैल्यू कितना है, इसे ही हम कहते हैं करंट डेंसिटी। मतलब क्या है तो हम बोल सकते हैं, आप नोट कर लेंगे, करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। क्लियर, तो हम क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे दैट इज जे इक्वल टू आई बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ करेंट डेंसिटी का। हम लोगों ने देखा है ना करेंट का एक रिलेशन, हम लोगों का एक रिलेशन आ चुका है आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, आया है रिलेशन। यहां क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ए एन ई वी डी बाय ए हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे एन ई वी डी, तो एक फॉर्मूला ये भी मिला, एक जे का फॉर्मूला ये मिला, एक फॉर्मूला ये मिला, यहां भी हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सोचना ध्यान से, वीडी जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एन ई और ये क्या हो जाएगा ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ होगा, यह भी एक रिलेशन आ गया। तुम देखो ध्यान से करंट डेंसिटी का टर्म, जब तुम्हें आई ए दिया रहेगा, जब एन ई वी डी दिया रहेगा, जब तुम्हें वो इस तरह से भी दिया रहेगा टाउ के बारे में, तो तुम करंट डेंसिटी को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है,
क्या होगा इसका एसआई यूनिट, क्या इसका एसआई यूनिट होगा? सोचो करंट है, करंट है ना एम्पियर, और नीचे क्या है एरिया है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा ना, एरिया पर सेक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या बोलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हम निकलवाना सिखा चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले भी डिस्कस किया था। करंट, करंट का क्या होता है, एम्पियर ही लिखते हैं, एम्पियर हो गया, मास है क्या, नहीं मास है, लेंथ देखो लेंथ है, लेंथ एरिया है ना, लेंथ का स्क्वायर है, लेकिन कहां है वो नीचे है। अब टी टाइम है क्या इस फॉर्मूला में, बेसिक फॉर्मूला देखा जाता है, जो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है ना किसी क्वांटिटी का, उसी को देखते हैं। ये भी नहीं है, ये भी जीरो, तो ए एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, क्लियर है। जब कभी तुम्हें अगर करंट डेंसिटी के बारे में बोलता है तो तुम दिमाग में इस बात को रखोगे, तो क्या कहेंगे हम, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर एट ए पॉइंट है। करंट डेंसिटी का वैल्यू कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर हो सकते हैं उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, तो आई बाय ए का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, आई का वैल्यू सब जगह बराबर होगा, आई के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई बाय ए का वैल्यू में फर्क पड़ेगा, करेंट डेंसिटी के वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, क्लियर है।